तो आप मतलब पूरी फैमिली एक साथ करते हैं? फैमिली है, कोई अच्छा 15 बीघा कोई मकान है, कोई बढ़ रहे सब्सक्राइबर, हमारे जो बंदे होते हैं ना वो काम करने वाले, हम उसको लेके वो काम करते हैं। तो आपने बोला कि अजवाइन की खेती करते हैं, अजवाइन की खेती मतलब एक ऐसी खेती है कि जो ज़्यादा मुनाफा, कई साल मैंने लगाया था मेरा 2-2.5 लाख का अजवाइन, 2-2.5 लाख का, 4 एकड़ से, चार नहीं 3.5। अजवाइन की खेती के बारे में अगर हम बात करते रहे हैं तो अजवाइन की खेती किस किस महीने में मतलब जैसे बुआई होती है, वो किस अभी हो गई है, अभी हो गई है, तो उसके बाद मतलब अगर एक बीघे की बात करते हैं तो एक बीघे में अजवाइन में कितना मुनाफा, कितना मतलब कितना कितने की एक बीघा लगाते हैं ना तो हमारे 25-26 मन जैसा होता है, 26 मन, तो 26 मन का कितना अच्छा होता है, 30 भी होता है, अगर 26 मन ही मान लेते हैं तो मंडी में क्या भाव होता है? कई साल मैंने अजवाइन 1.25 बीघा और 2 बीघा का मेरे 3500 भाव आया, 3500 भाव एक मन का, और खर्चा कितना हो जाता है? खर्चा तो होता है, खर्चा निकाल के अच्छा। तो एक चीज़ बताइए कि जैसे एक अभी है ना जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर बात चलती है ना, तो आप लोग इधर ऑर्गेनिक फार्मिंग फॉलो करते नहीं, हो? हमारे क्यों नहीं करते ऑर्गेनिक फार्मिंग? वो हमारे किसी को जमता नहीं है। क्यों नहीं जमता? आता नहीं है किसी को ऑर्गेनिक नहीं आता, उसमें तो ऐसा है कि मतलब ज़्यादा कोई ऐसा केमिकल यूज़ करना नहीं है, नेचुरली है जो जो है ना, तो वो मतलब क्यों मतलब ऐसा है कि आपको इतना आइडिया नहीं है? आइडिया नहीं। तो अगर जैसे मानिए कि इधर ट्रेनिंग कराई जाए या आइडिया दिया जाए आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग का, तो उसको अडेप्ट करना चाहोगे आप लोग, उसको पकड़ना चाहिए क्योंकि उसमें क्या है अजवाइन में तो कीड़े भी बहुत लगते होंगे? नहीं कीड़े नहीं होते, नहीं होते, कोई खाता भी नहीं उसको, तो मतलब जो पेस्टिसाइड या केमिकल है इसका यूज़ कम ही होता है, कम होता है। उसके अलावा और क्या क्या क्रॉप लगाते हैं? सरसों भी तेल के लिए इस्तेमाल करते हो? मतलब हम तो मंडी में दे देते सरसों निकाल के, तो मंडी वाले करते हो? तो ऐसा क्यों करते हैं आप लोग कि जैसे अजवाइन है तो आपने खुद उगाया फिर उसको खुद पैकिंग की और फिर खुद बेच दिया, या महिलाओं का समूह बनाया और उसके बाद बेचा, ऐसा कुछ नहीं करते? ऐसा मतलब एक ये भी है कि भाई महिलाओं का समूह जुड़ जाता है और वो लोग अपना जैसे अचार पापड़ ये सब बनाते हैं, तो वो भी करते हो आप? ना वो नहीं करते, हम सखी मंडल चलाते हैं। सखी मंडल में तो होता होगा एक, होता है लेकिन हमारे यहाँ होता नहीं है, वो आते नहीं है। अच्छा एक चीज़ और बताइए मेरे को, लास्ट की इस देश की जो महिलाएँ हैं ठीक है, तो आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहोगे कि कैसे वो खेती में आके या कैसे खेत से जुड़ के और अपनी दिनचर्या के काम करते हुए कैसे वो अपने आप को सशक्त बना सकती है? महिलाएं भी कुछ करते हैं कैसे? अगर चाहे तो महिला तो देखो घर संभालती है, बच्चे संभालती है, फिर एक खेती का काम, घर का काम, वो करके भी हम समाज में भी बेहतर। तो मतलब महिलाओं को कृषि में आगे आना चाहिए, अभी कृषि का ही जमाना है। जब कोरोना आया ना तब हमारे गांव के लड़के भूखे वो जो थी ना वो सब शहर में चली गई, जब कोरोना आया ना तब बोला हमें गांव में आना है, तो समझो कि खेती का और गांव का कितना जुड़ाव है। उस जो सिटी में रहते उसको अभी कुछ नहीं था, तब कोरोना में सब उसको गाँव और खेती याद आ रही। तो अभी आप लोग क्या कहते हैं मतलब किसी समूह के उससे आए हैं या कैसे आए हैं? हमारा जो मंडल चलता है खेती मंडल, अच्छा खेती मंडल, हाँ खेती मंडल चलता है, कृषि मंडल चलता है, उसमें हम सब आए। ठीक है, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सोमनाथ पटेल। धन्यवाद।